हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए बिगिन मूवी के पुलिस स्टेशन फाइट सीन का रिएक्शन, और ये भी बहुत ज्यादा रिकमेंडेड में आया है। और ऊपर से अटली जी के सारे जैसे सीन्स होते हैं वो कमाल के होते ही हैं, और अभी तक हमने तीन सीन देखे हैं, तीनों के तीनों बहुत शानदार। जैसे कि आपने बताया कि हमने तीन सीन ऑलरेडी देख चुके हैं और ऊपर से एंथम भी हमने देख लिया है, तो अब मतलब मूवी ऑलमोस्ट मुझे थोड़ी बहुत समझ में आने लगी है। मतलब एक बाप और बेटे का मतलब इतना अच्छा बॉन्ड था, फिर वो जिस तरीके से टूटता है, जिसके फुटबॉल के वो कोच बनते हैं, तो ऑलमोस्ट समझ में आने लग गई। पर दो भी मैं पूरी मूवी एक साथ बैठ के देखना चाहती हूँ, ऐसे सीन अलग अलग करके नहीं। वही वो तो हम स्टार्ट में रिएक्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद हम अलग से पूरी मूवी जरूर देखेंगे। जैसे ये भाई, ये मेरे ख्याल से लास्ट सीन है, इसके बाद हम पूरी मूवी जरूर देखेंगे। और मेनली ये चीज है कि अभी तक हमने दो फनी सीन देखे, वो मतलब फनी फाइट देखी है। लाइक इसमें मतलब जो एक्टर है वो मजे कर रहा है, लाइक विजय जी बहुत एंजॉय करके मार रहे हैं रैपन की इंट्रो और साथ में माइकल का इंट्रो। और साथ में जो तीसरा सीन देखा था वो थोड़ा सा इमोशनल था कि उसमें फाइट करते करते एक एक मतलब उनके फादर जा रहे थे, तो वो कितना इमोशन वाला था। अब देखते ये वाला कैसा होता है, इसके अंदर क्या चीज दिखाई जाती है, अटली जी का कोई और नया रूप देखने को मिलता है कि नहीं, तो देखते फिर आप भी देखो, हम भी देखते हैं। कोच को पुलिस लेके जा रही है। சார், என்ன எதுக்காக கூட்டிட்டு வந்திருக்கீங்க? நீங்க முக்கியமான மேட்ச் இருக்கு சார். நீ ஆளை போறியா? இல்லல்ல, பார்க்க தானே போற. பாரு என்ன நடத்தினு சார். காரணம் இல்லாம ஒருத்தர் அரெஸ்ட் பண்ண முடியல. என்ன எதுக்காக கூட்டிட்டு வந்திருக்கீங்கன்னு காரணமாவது சொல்லுங்க. இதா சிஎம் கான்வாயில் அப்சக்ஷன் கொடுத்தேன்னா உன்னை உள்ளு தூக்கி வைக்க பார்த்தலையா? இதோ ஸ்டேஷன் முன்னாடி போலீஸ் ஜீப் இருக்குல்ல, அத பாம்பு வச்சு பிளாஸ்ட் பண்ணிட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல வயலன்ஸ் ஏற்படுத்தானு சொன்னவ. இதுவும் பார்த்தலையா? என்னோட கன் எடுத்து இதை ஹெட் கான்ஸ்டபிள் பட்டேல ஷூட் பண்ணணும்னு சொல்லுவேன். அட்டெம்ப்ட் டு மர்டர். காரணம் ஏன் क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है कि उसे मैच में जाने नहीं देने के लिए अब सो ये सब किसी तो झगड़ा है। हां, जानबूझ के करा जा रहा है। जाके शॉप बोले और पहले मैं देखा हां இதான் ஷர்மா ஸ்கெட்ச். உனக்கு மட்டும் உங்க சாமனே வாலைக்கு டீம் கோ சார். அச்சா 90 மினிட்ஸ் உங்க தூக்குறானே, क्योंकि 90 மினிட்ஸ் ஃபுட்பால் கேம் होती है, तो तब तक इनको यहां रखेंगे ताकि कोच कुछ कर ही ना पाए। मतलब वो लोग हार जाए इसकी वजह। हां वही ना, क्योंकि कोच नहीं होगा तो फिर तो ऑफ कोर्स ऐसा है ना, लीडर ही नहीं है, वो बताएगा नहीं कि क्या करना है, सब्स्टिट्यूशंस कैसे होगी। पहला गोल भी हो गया। तो या तो सामने वाली टीम का है कुछ टाइम है ना जी। धीरे धीरे मूड में आ रहा है। एक और हो गया। ये किसने रुकवाया? क्या चल रहा है? मुझे
मुझे लगता है जानबूझ के किया है इस पटो टाइम बना चे 15 मिनट्स आज वो अभी कह रहा था कि सीएम के कॉन्वॉय का मैं तेरे पर इल्जाम लगा दूंगा और वही चीज हो गई वाह वही बोला था फेक बम का करवा दूंगा तो मतलब तीसरा पटेल मरेगा ओह माय गॉड वो कॉल पे थे और वो सब चीजें कर रहे थे நம்மளால என்ன முடியுன்றது தான் முக்கியம் நமக்கு செட் ஆகல இந்த டயலாக் टोटल मास सीन ये बहुत ही शानदार था और ये कह सकते हैं ये अटली जी और विजय जी का मतलब ट्रेडमार्क सीन था किस तरीके से वो पूरा गेम बदला है और जब वो शुरुआत में उनको पकड़ने गए थे तो वो कैसे कर रहे थे लाइक मेरी भी फुटबॉल की गेम बची है आप मुझे क्यों लेके जा रहे हो और वो चल देखो आया ऑर्डर आया देखो लेके जाना है और वो लेके चले गए उनको और मेरे ख्याल से वही वो जैकी श्रॉफ जो होंगे अपोजिशन में होंगे या तो फिर मतलब कुछ होंगे जो लीडर वीडर कुछ होंगे जिनको ये नहीं पसंद होंगे तो वैसा कुछ लग रहा था और उनकी टीम सामने वाली टीम थी और वो अपनी टीम को जितवाना चाहते थे ताकि इनको बाहर रखें और ये जितना हो सके इनको पुलिस स्टेशन में बंद रखे तो फिर कैसे वहाँ के गेम बदली है ना वो देख के बहुत मजा आया टाइम बना चे 15 मिनट्स आ चुके हैं चारी हाँ टाइम हो रहा है गवनी एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ मतलब दिख रहा था जैकी श्रॉफ मतलब अपोजिशन में ही थी मैं मुझे लगता है कि उनकी दूसरी टीम मुझे लगता है जैकी श्रॉफ की थी और दूसरी टीम विजय उनको हराने के लिए कोच को इसलिए अरेस्ट करवा दिया था कि मतलब वो इजीली हार जाए क्योंकि उन्हें पता है कि गर्ल्स की जो टीम है मतलब कोच के बिना ऑब्वियसली कोई भी टीम कोच के बिना बुरी नहीं होती क्योंकि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और मतलब जो सब्स्टिट्यूशंस करना और अच्छी बताना करना मैनेज करना कोच के बिना पॉसिबल नहीं होता और बट मेन स्टार सीन तो मतलब वो था कि जब जैसे ही वो जाके गाड़ी ठोकी थी सीएम के कॉन्वॉय से हां वो मजेदार सीन था मतलब ऐसे ही मतलब जैसे दिखाया और ब्लास्ट में कि मतलब वो सुन रहे थे फोन के ऊपर वो बार बार टाइम पूछ रहा था क्या टाइम हो रहा है बीच बीच में वो देट वॉज द सीन कॉमेडी मजा आ रही थी फिर लास्ट में जो वो ऐसे ही करते वो कान में आते ऐसे ही ब्लास्ट होता है लेकिन फिर वो वहीं बैठे हुए और फिर उनका पूरा पूरा मतलब वही तो मैं बताया पूरी आवाज चेंज हो गई पूरा बोलने का तरीका चेंज हो गया कि हाँ और क्या क्या टाइम हुआ पटेल जी क्या टाइम हुआ तो फिर वो बोले अरे नहीं अभी तो चल रहा है तो फिर वो एक दो तीन और फिर सीधा देखा था ये ट्रेलर के अंदर भी मैंने देखा था तो पता नहीं था कि ये यहाँ पे आएगा और बहुत सही लगा फिर उसके बाद जाके फिर उसको बोला नहीं अभी और कुछ बचा है तो बोला नहीं नहीं आप जा सकते हैं बिल्कुल जाइए और बीच बीच में मतलब बहुत सारे शॉर्ट्स भी थे मतलब ऐसे जैसे वो च्युइंगम खा रहे थे मुझे रजनी सर की याद आ गई लास्ट वाला वो मुझे रजनी सर की याद आ गई फिर जिस तरीके से पर ये वाला स्टाइल इनका खुद का ही है रजनी सर का तो वैसे है पर इनका खुद का ये वाला है और जिस तरीके से वो वॉच ऐसे ऐसे करके घुमा के उन्होंने टाइम देखे थे मतलब थोड़े बहुत शॉर्ट्स थे वो मजेदार शॉर्ट्स थे और मतलब पंच मार्क सीन लग रहे थे कि मेरे को वहाँ विजय सर की ये स्टाइल है और मतलब मजा आ गया था वही और एंड भी वैसे ही की गई एंड कितनी मस्त हुई लाइक वो उनका पूरा मतलब लास्ट में बोलते हैं एंट्रेंस को मतलब हाँ। वो एग्जिट को इतना शानदार बना दिया वो जब गेट से बाहर निकल रहे थे फिर वो जब वो अपनी गाड़ी के पास आ रहे थे तब इतना मस्त बाइक लेके छाम करके निकल गए तो वही बहुत सही लगा आप लोगों को सीन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और इसे लाइक करते जाइए कमेंट करते जाइए शेयर करते जाइए सब्सक्राइब करते जाइए बाय